नमस्कार दोस्तों, आज हम नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। आज का जो टॉपिक होगा हमारा, वो हम रिफ्रेक्शन पढ़ेंगे, वो भी कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर में। उसमें जो इक्वेशन होते हैं उसका, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसमें डिपेंड क्या हो जाता है, उसका जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो होते हैं वो उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है इस इक्वेशन में। तो हम आज वही टॉपिक पढ़ेंगे जो आपको दिख रहा है ये टॉपिक। इस टॉपिक के बारे में हम आज चर्चा करेंगे, इक्वेशन भी हम करेंगे, इसमें फार्मूला को हम दिखाएंगे कैसे ये फार्मूला आता है स्फेरिकल मिरर से रिफ्रेक्शन जो होते हैं, और वो रिफ्रेक्शन जो होंगे वो तब जब रेरर मीडियम में कोई ऑब्जेक्ट को रख दिया जाता है और उसका इमेज जब डेंजर मीडियम में बनता है, यानी जब विरल माध्यम में हम उस ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं और उसका इमेज स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस द्वारा डेंजर मीडियम में, यानी सघन माध्यम में उसका ये इमेज बनेगा। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें रे डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो देख लीजिए, जैसे हमारे पास ये कॉन्वेक्स सरफेस है, कॉन्वेक्स सरफेस है। अब इसी में हम दिखाएंगे जो कॉन्वेक्स सरफेस द्वारा जो रिफ्रेक्शन होता है उस चीज को। तो इसका एक प्रिंसिपल एक्सिस होगा, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया और इस पॉइंट को हम पी कहते हैं। अब क्या करना है, इसके प्रिंसिपल एक्सिस पे हम कोई ऑब्जेक्ट ओ को डाल दे रहा, कोई ऑब्जेक्ट ओ डाल दिया है। यहां से जब लाइट इंसिडेंट हो रहे हैं तो ये पॉइंट ए, मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट ए पे ये इंसिडेंट हो रहे हैं, पॉइंट ए पे इंसिडेंट हो रहे हैं। अब ये लाइन किधर जाएगा, ये इस चीज़ के बारे में हम पहले आप लोगों को बता चुके हैं। यहाँ पे देखिए, ये इसका जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू वन और इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू टू है। हम पहले भी चर्चा किए हैं, जो हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, म्यू वन यानी वो जो मीडियम जो होगा हमारा वो रेरर मीडियम होगा, यानी विरल माध्यम होगा, तो हमने डाल दिया। अब यहाँ से इस सरफेस, इस पॉइंट पर हम एक परपेंडिकुलर खींच रहे हैं सरफेस का। तो सरफेस का जो परपेंडिकुलर होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। फिर अब देख रहे हैं, जो ये लाइट रेयर मीडियम से डेंजर मीडियम में जा रहा है, तो ये जो हमारे पास नॉर्मल जो है उसी के डायरेक्शन में वो मुड़ेगा। तो यहाँ पे ये ऐसे मुड़ेगा और प्रिंसिपल एक्सिस के इस पॉइंट पर आके ये आई इमेज को क्रिएट कर रहा है, आई इमेज यहाँ पे बन गया, यानी ऑब्जेक्ट ओ का हमारे पास यहाँ पे इमेज मिल रहा है और वो रियल इमेज हो रहा है। रियल इमेज का ही हम अभी पढ़ रहे हैं, तो रियल इमेज जो होगा, अब इसमें हम कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वो तो उतना था, वो इसका जो रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग। अब हम अपने तरफ से इसमें हम कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जैसे इस पॉइंट से हम एक नॉर्मल खींच रहे हैं और इसको एन हम कर दे रहे हैं। अब ये एंगल को हम अल्फा मान रहे हैं, इसको बीटा मान रहे हैं और इसको गामा मान रहे हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जरूरी नहीं है जो हम एंगल जो वहाँ पे क्रिएट किए हैं, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा, ये जरूरी नहीं है जो वहाँ पे हम अल्फा बीटा गामा ही डालें। इसमें आप अपने मर्जी से यहाँ पे एंगल को डाल सकते हैं, थीटा वन, थीटा टू, थीटा थ्री, या फिर एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, ऐसे डाल सकते हैं हम। ये एंगल आपको पता है, जो ये इंसिडेंट एंगल आई होते हैं और ये होता है आर होता है रिफ्रेक्टिव एंगल। तो अब हमें यही इंसिडेंट एंगल और रिफ्रेक्टिव एंगल में ही हमें दिखाना है। सबसे पहले इंसिडेंट एंगल को हम निकालेंगे, आई को निकालेंगे और फिर आर को निकालेंगे, तब जाके आगे का इक्वेशन हम करेंगे। तो देखते हैं इसमें,
अब यहाँ पे आई हम निकाल रहे हैं, तो आई कैसे निकलेगा? देखिए एक ट्रेंगल हम लेंगे, तो एंगल आई को अगर फाइंड करना होगा तो एक ट्रेंगल हमारे पास आएगा ओ ए सी। ओ ए सी आपको यहाँ से ये लाइन ऐसे जा रहा है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिल रहा है। तो हम ट्रेंगल को हम देख रहे हैं, जो ये जो हमारे पास ट्रेंगल है, ट्रेंगल ए ओ सी, तो इस ट्रेंगल से एंगल आई जो होगा, आई इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इज़ इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। अल्फा प्लस गामा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आई इज़ इक्वल टू टेन अल्फा प्लस टेन गामा। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गया। उसी टाइप से हमें यहाँ पे आर फाइंड करना था, आर फाइंड करना है तो अब ट्रेंगल हम ढूंढेंगे, यहाँ पे ट्रेंगल कौन सा होगा। आर के लिए ट्रेंगल हम लेंगे ए सी आई, यहां से ये वाला ट्रेंगल, या फिर हम ए आई सी ऐसे करेंगे। तो इसमें क्या होगा, ए आई सी से इस ट्रेंगल से हमें आर फाइंड हो जाएगा, यानी अगर गामा हम निकाल रहे तो गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा। दिस इंप्लाई आर, आर अगर फाइंड करेंगे तो आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा, फिर आर इज इक्वल टू टेन गामा माइनस टेन बीटा। ये हमारे पास इक्वेशन टू आ गया। तो ये दोनों इक्वेशन को आप देख रहे हैं, तो ये दोनों इक्वेशन हमारे पास आ गया। अब जरूरत क्या है हमें निकालने का, टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा, और वो कैसे निकलेगा? तो आपको हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, जो वो यहाँ पे आपको राइट एंगल ट्रेंगल से दिखेगा। अगर अल्फा निकालना है तो हम ट्रेंगल राइट एंगल ट्रेंगल जो लेंगे ए एन ओ। देखिए यहाँ पे ये 90 डिग्री का क्रिएट हो रहा है ये एंगल, तो ए एन ओ से हम टेन अल्फा निकालेंगे। टेन अल्फा क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेन अल्फा, टेन अल्फा इज इक्वल टू एक इस ट्रेंगल से। अब ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे ट्रेंगल लिख नहीं रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा, हम बोल रहे हैं जो ट्रेंगल ए एन ओ से इस ट्रेंगल से हम टेन अल्फा निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो टेन अल्फा हो जाएगा ए एन बाई ओ एन ओ एन। फिर उसी प्रकार से टेन बीटा, तो टेन बीटा हमारे पास क्या आएगा, अब टेन बीटा है तो कौन सा ट्रेंगल से, ए एन आई से, तो ए एन आई से हमारे पास हो जाएगा ए एन बाई एन आई, ये हो गया। फिर हम निकालेंगे टेन गामा, तो टेन गामा यहाँ पे फिर ट्रेंगल ये दिख रहा है ए एन सी, तो ए एन सी से हम निकालेंगे ए एन बाई एन सी। तो हमारे पास अल्फा बीटा और गामा निकल गया, जैसे कि आप देख रहे हैं जो ये अल्फा बीटा और गामा निकल गया। अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को लेके अब अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू ये दोनों इक्वेशन में हम डाल देते हैं। तो दोनों इक्वेशन में जब हम डालेंगे तो क्या हो जाएगा, आई इज्कल टू हमारे पास आ जाएगा टेन अल्फा का, टेन अल्फा है तो टेन अल्फा का वैल्यू हम देख रहे हैं जो ए एन बाई ओ एन। एक चीज और ध्यान दीजिए, हम अभी ही इस चीज को कंप्लीट कर दे रहे हैं क्योंकि लंबा वीडियो ना बने, इसके लिए हम कंप्लीट कर दे रहे हैं। जो ओ एन, यहां से ओ एन जो दिख रहा है ना ओ एन, तो ओ एन हम इसको चेंज करेंगे, क्योंकि अगर ये हमारे पास ये जो द्वारक जो आपको दिख रहा है, अगर ये बहुत ही छोटा हो तो एन पॉइंट जो होगा वो पी पे आ जाएगा, एन पॉइंट पी पे आ जाएगा। तो जहां पे एन है वहां पे हम क्या डाल सकते हैं, पी डाल देंगे, तो ओपी हो गया। उसके बाद प्लस, फिर देखेंगे टेन गामा है हमारे पास, तो टेन गामा का वैल्यू ए एन बाई, अब यहां पे लिखा हुआ है एन सी, तो एन सी, तो इसको हम पी सी कर सकते हैं, पी सी, और ये हमारे पास समीकरण आ गया, इक्वेशन आ गया फर्स्ट सेकेंड थर्ड इक्वेशन सेम। अब हम करेंगे समीकरण टू, इक्वेशन टू से हम लेंगे तो आर निकल जाएगा, आर इज इक्वल टू हो जाता है टेन गामा, तो टेन गामा का वैल्यू है ए एन,
बाई यहाँ पे हो जाएगा गामा चल रहा है तो गामा के लिए होंगे एन सी, तो एन सी जो हो जाएगा एन सी यहाँ पे देख रहे हैं एन सी, तो ये हो जाएगा पी सी, और यहाँ पे माइनस क्योंकि इस इक्वेशन में माइनस है टेन बीटा, तो टेन बीटा हमारे पास है ए एन बाई एन आई है, तो इसको हम पी आई कर दें पी आई, और ये इक्वेशन हमारे पास फोर आ गया। अब ध्यान से देखिएगा इन सब इक्वेशन को, फिर आगे इसका यूज़ हम करेंगे, अभी इस इक्वेशन में अभी कंप्लीट नहीं है, थोड़ा सा लॉन्ग है ये, तो आप इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे। और जहाँ पे प्रॉब्लम होगा, जिस पॉइंट पे प्रॉब्लम होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, जो इस पॉइंट पे समझ में नहीं आया आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड नेक्स्ट वीडियो। अब हम स्नेल्स लॉ जानते हैं, स्नेल्स लॉ को लेके आएंगे, तो स्नेल्स लॉ से हम इसको स्नेल्स लॉ जैसे होता है, जैसे हमें म्यू इजिकल टू साइन आई बाई साइन आर, साइन आर, और हम जानते हैं जो म्यू जो होता है ना म्यू, म्यू इजिकल टू होता है म्यू टू बाई म्यू वन, ये तो हम म्यू की जगह पे हम ये डाल सकते हैं दिस इंप्लाई म्यू टू बाई म्यू वन, क्योंकि रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स में आ जाता है साइन आई बाई साइन आर। तो ये हमारे पास जो आया इक्वेशन म्यू टू बटा म्यू वन इजक्वल टू साइन आई बटा साइन आर, ये जो है वो स्नेल्स लॉ है, स्नेल्स लॉ है, तो स्नेल्स लॉ है, तो इसमें आप इसका यूज़ करके, इसको यूज़ करके हम फिर आगे इक्वेशन को हम बढ़ाते हैं। तब तक आप इस चीज़ को ध्यान से देख लीजिए जो क्या क्या इक्वेशन है, ठीक ना, और जहाँ पे नहीं समझ में आएगा वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। आई होप कि आप इस चीज़ को ध्यान से देख लिए होंगे, अब हम आगे इसमें बढ़ते हैं। इसमें तो इसको अब हम यहाँ अभी मिटाते हैं, और फिर इस इक्वेशन से हम आगे, हम यहाँ से हम स्नेल के लॉ से हम आगे बढ़ेंगे। तो अब स्नेल का जो लॉ है हमारे पास, उसके बारे में देख लेते हैं, ये तो हम कर लिए। अब इसी इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमारे पास म्यू टू बाई म्यू वन इजकल टू साइन आई बाई साइन आर, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो म्यू वन साइन आई इजकल टू म्यू टू साइन आर, इसको हम ऐसे लिखेंगे म्यू वन आई इजकल टू म्यू टू आर। और अब इस समीकरण जो हमारे पास आया फाइव होगा, ये जो इक्वेशन जो हमारे पास आया, अब देखिए इसमें आई और इसमें आर, तो आई आर आर का वैल्यू जो है हमारे पास पहले हम निकाल चुके हैं, आई और आर का वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से हम जब कर रहे हैं तो इसमें पुट कर दे रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन पुटिंग the value of I and R in equation 5। तो अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, अब इसका वैल्यू को हम पुट कर रहे हैं, तो यहाँ से इक्वेशन जो हमारे पास 5 है तो म्यू 1 ऐसे ही रहेंगे, और I का वैल्यू हमारे पास है ए एन बाई ओ पी प्लस ए एन बाई पी सी इजकल टू, हमारे पास ये R है, अब R का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है, तो अब इसको हम इस पॉइंट पे कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा म्यू टू ए एन बाई पी सी प्लस माइनस
AN/PI। देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन यहाँ पे हमारे पास यहाँ से हमने पुट कर दिया। उसके बाद अब एक चीज़ ध्यान में रखना है, जो AN सब में कॉमन है तो इसको बाहर कर लेते हैं। तो AN बाहर कर लिए, कॉमन है μ1/OP प्लस μ1/PC इजकल टू μ2, सॉरी यहाँ पे AN कर देते हैं, AN μ2/PC माइनस AN/PI। अब ये हमारे पास इक्वेशन आया और AN यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा, तो AN और AN कैंसिल हो गया, तो जो बच गया उसको हम लिख ले रहे हैं। बच गया क्या हमारे पास, μ1/OP प्लस μ1/PC इजकल टू μ2/PC माइनस यहाँ पे तो AN तो कॉमन कर लिया था, μ2 हो जाना चाहिए था, सॉरी यहाँ पे μ2, तो μ2/PI ये हमारे पास बचिया। अब आगे हम क्या करेंगे इसमें, अब इन सब का वैल्यू को हम पुट करेंगे। जैसे हम देखेंगे OP, तो OP हमारे पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल। तो इसको ऑब्जेक्ट और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो यू होता है, यू डालेंगे। उसके बाद अब हमारे पास PC है, PC, तो PC होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो उसको डालेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर को डालेंगे। उसके बाद हमारे पास PC तो हो गया PI, तो PI, तो PI होता है, देखिए यहाँ पे इमेज बन रहा, तो PI जब इमेज बन रहा तो इमेज का डिस्टेंस जो होता है वो इमेज का डिस्टेंस जो होता है वो भी होता है, भी होता है। तो अब देखते हैं इसमें सबका वैल्यू को हम पुट करते हैं तो क्या आता है। उम्मीद करते हैं जो आप लोग ये सब चीज़ को नोट डाउन करते जाएंगे तो बेहतर रहेगा। अब यहाँ पे हम डाल रहे हैं जैसे वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो μ1 तो μ1 ही कर देना, और बाई OP, अब OP हम देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होता है वो u होता है, और u हमेशा माइनस में होता है, तो यहाँ पे हमने माइनस लगाया। फिर अब हमारे पास प्लस है, तो μ1 ऐसे ही रहेंगे, और फिर अब PC, तो PC ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं, तो PC ये हो गया, R हो गया। फिर अब आप देखिए इजकल टू, अब यहाँ पे है μ2/PC, तो PC हमारे पास R होता है, और माइनस μ2/PI, तो ये भी होता है, तो यहाँ पे हो गया। अब अरेंज कर दे रहे हैं, तो अरेंज क्या होगा, माइनस μ1/U, और इसको इधर ले क्या आ रहा है, तो प्लस μ2/V इजकल टू μ2/R, और ये उधर जाएगा तो माइनस μ1/R। अब ये जो हमने अरेंज किया, अब इस इक्वेशन में हम इसके ऊपर में μ1 से डिवाइड कर दे रहे हैं। μ1 से जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो कंडीशन होगा, क्या कंडीशन होगा, यहाँ पे जाएगा माइनस μ1/U प्लस μ2/μ1/V इजकल टू, यहाँ पे μ1 से कर रहे हैं तो μ2/μ1/R माइनस यहाँ पे 1/R। उसके बाद क्या होगा, और इसका जो वैल्यू,
वैल्यू होता है वो म्यू म्यू होता है। तो अब लास्ट जो स्टेप हमारा होगा उसको हम देखते हैं, जो लास्ट इक्वेशन जो फाइनल इक्वेशन जो होगा वो क्या होगा। इस चीज़ को आप बहुत ही ध्यान से इस चीज़ को देख लीजिए कैसे कैसे इक्वेशन हुआ है। आप इस चीज़ का प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो देखते हैं अब हम आगे इसका लास्ट इक्वेशन जो होगा वो क्या होगा फाइनल। बस कुछ नहीं अरेंज कर रहे हैं, इसमें वैल्यू सबका हमने डाल दिया यहाँ पे। अब क्या होगा, माइनस वन बाई यू प्लस म्यू बाई भी इजकल टू एलसीएम आर आएगा, तो म्यू माइनस वन, यही हमारे पास इक्वेशन आ गया कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर जो है कॉन्वेक्स में, जब हम रेयर मीडियम में जब ऑब्जेक्ट रहेगा तब। तो ये था हमारे पास स्फेरिकल मिरर का रिफ्रेक्शन हम दिखा रहे थे, स्फेरिकल सरफेस के लिए हम दिखा रहे थे और इसका इक्वेशन भी किया। ये थोड़ा सा लंबा वीडियो है क्योंकि इक्वेशन ही थोड़ा सा तो लंबा है, इसलिए अब अगर ये कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो इक्वेशन में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर ज़रूर करना, लाइक भी ज़रूर कर देना इसको, ठीक है ना। धन्यवाद।